शुक्रवार को झज्जर में दिव्यांगों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान काली पट्टी बांधने का उद्देश्य ये था कि सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में है और दिव्यांगों की जरूरतें नहीं देख पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें स्थायी रोजगार की जरूरत है, साथ ही बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उनकी पेंशन 10 तारीख तक हर महीने उनके खाते में आ जाए, ये उनकी मांग है। आज 3 दिसंबर विकलांग दिवस के अवसर पर हमारा धरना प्रदर्शन, कुछ मांगे काली पट्टी बांधकर आंखों पर। सरकार को इसका हमारा उपलक्ष्य जो विरोध करना है उसका तात्पर्य है कि सरकार को धृतराष्ट्र न बनने दें, उनको जगाएं। ये काली पट्टी बांधकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है, हम सरकार को जगाना चाहते हैं इसके माध्यम से। एक ये चल नहीं सकता बिल्कुल भी, इसके माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार विकलांगों के प्रति जागरूक हो, हमें किसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। नांगल चौधरी में शहीद मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय में लगे अंत्योदय मेले में पहले दिन लाभार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। भाजपा विधायक डॉक्टर अभय यादव ने 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का उद्घाटन किया। पहले दिन 25 विभागों द्वारा प्रतिष्ठा लगाकर करीब 1000 लाभार्थियों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें 680 लोग पात्र माने गए। मुख्य अतिथि ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले का ये अंत्योदय योजना के तहत किया है और इस मेले का मकसद यही है कि जो गरीब आदमी है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे। और अभी काफी लोगों ने आज उत्साह दिखाया है और जिले के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग डेस्क लगी हुई है। और अभी तो क्योंकि प्रारंभिक है, आज शुरुआत है इसकी, तो धीरे धीरे इसमें जो आज हमें जो कमियां नजर आएंगी उन खामियों को अगली बार फिर 15-20 दिन बाद में दोबारा रिपीट मेला जब भी अगले महीने तक जब होगा तो उसमें उसको और अच्छी तरह से जो आज जो कमियां नजर आएंगी उनको इम्प्रूव करेंगे। देखिए, जो परिवार पहचान पत्र में सबकी इनकम है और 1,80,000 रुपये से कम जिनकी इनकम है इनको, और उनमें से भी जो सबसे कम इनकम वाला है उससे प्रारंभ करेंगे। रोहतक में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की सिटी यूनिट रोहतक के कर्मचारियों ने पावर हाउस पर बिजली भवन के प्रांगण में 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी, नहीं तो आगामी दिनों में राज्य कर्मचारी संघ के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना है। इसके अलावा उनकी अन्य विभागीय मांगे भी हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उनका कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर गंभीर है और किसानों के आंदोलन की तर्ज पर ही हट धर्मिता के साथ अपनी मांगे मनवा कर ही दम लेगा। आज का धरना हमारा राज्य कमेटी के आह्वान पर जो 30 सूत्रीय मांग पत्र है उसको लेकर है। इन मांग पत्र में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कच्चे कर्मचारियों समान वेतन देना और नई पेंशन नीति को बहाल करना, पुरानी पेंशन नीति लागू करना और बहुत सारी हमारी विभागीय डिमांडें हैं, उनका हम आपको मांग पत्र दे देंगे और उन मांग पत्रों के लेकर ही हमारा आज का जो यूनिट स्तरीय धरना है वो 3 दिसंबर का है। सब यूनिट पर हमने 29 तारीख को प्रदर्शन किया था, आने वाली 22 तारीख को हम सर्कल स्तर पर प्रोग्राम है हमारा और उसके बाद 19 जनवरी को हमारा जोन 17 प्रोग्राम। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के जिलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस ने आदेशों का पालन करते हुए लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी, वाहनों को रोककर लोगों को समझाया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सभी को मास्क लगाने को लेकर हिदायत दी गई है, अगर कोई नहीं मानेगा और मास्क नहीं लगाएगा तो चालान भी होगा। निर्देश प्राप्त हुए हैं और कैसे उनकी नहीं सुधरते फिर कार्रवाई होगी, उनके मास्क के चलान भी करे जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी बगैर मास्क के नहीं घूमेगा, ठीक है। अपनी गाड़ी में है, अगर अकेला है नहीं लगा रहा कोई नहीं, अगर नीचे उतरेगा अकेला आदमी भी नीचे आएगा तो उसको मास्क जरूरी है, नहीं उनके चलान किए जाएंगे। क्या कुछ निर्देश आगे से प्राप्त? हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ मीटिंग होगी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल के, हमारे टीम की, स्वास्थ्य मंत्री जी की। अब कोरोना के केस दोबारा से फिर मिलने लगे हैं हरियाणा के अंदर, कई जगह मिलने पा गए हैं, इसलिए इनको लोगों को समझा भी जा रहा है मास्क के बगैर कहीं न मत निकलो।
अगर निकलेंगे नहीं निकलेंगे या निकलेंगे तो फिर उनके चलान करे जाएंगे। अच्छा लोग जेब में रखे रहते हैं मास्क नहीं लगाते, उनको समझाना और निकाल कर फिर जेब से मास्क लगा लेते हैं। अभी देखा आपने खुद लोगों को पहनाने का भी काम किया मास्क। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार और परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी तौर पर शहर में चल रही सिटी बस सेवा के कर्मचारी आए दिन उनसे बदतमीजी करते हैं और हाथापाई पर भी उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के बसों को खड्डे में खड़ी करते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जब इन्हें मना किया जाता है तो बस सुलूकी पर उतर जाते हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार और परिवहन मंत्री एक तरफ हरियाणा रोडवेज को ऊंचाई पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन इन निजी बसों के जरिए हरियाणा रोडवेज का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो सिटी बस सर्विस चल रही है, इनका कोई कॉन्ट्रैक्टर है जी। उनको पहले भी कई बार बताया गया कि भी आपको अगर बसें दिलवानी तो हमारा जो डग है उसके ऊपर आप दोगे। तो ये जो है ना अपनी मर्जी से पूरी वर्कशॉप के अंदर गंदगी फैला रहा था, इसको रोका गया। आज सुबह भी मेरे कर्मचारियों ने रोका था, कर्मचारियों के साथ में भी इसने गाली गलौज की ठेकेदार ने, और जब इसको हटाने की कोशिश की वहाँ से कि आप जो है यहाँ बस मत हो, तो इसने जो है ना हमारे जो कर्मचारी थे उनके साथ धक्का मुक्की की। उसके बाद मेरे को बुलाया गया, मेरे को स्थिति से अवगत कराया कि ऐसी सी बात होगी, तो हम पूछने के लिए जा रहे थे, और तो उस टाइम पे ये मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा कि आप जो है क्यों हमारे को रोक रहे हो। तो इसको बताया गया जब आपको मना कर दिया तो उसके बावजूद आप क्यों दोगे, तो इसके लेकर के जो है ना इनको हमने रोका अभी आपको हम। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।